में आप आए थे, लगातार अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे? नहीं, वो अधिवक्ताओं ने तो बुलाया, वो कर रहे हैं जो सफाई है, कुछ उनका आपस का विरोध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी का विरोध करना होता है तो उसको मौका आता है चुनाव में, और वो अपना विरोध दर्ज किया जाता है बटन दबा के। पर जिंदाबाद। लेकिन समाजवादी पार्टी के बारे में जितना दुनिया जानती है कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसके अंदर मिलेगा गुंडा, तो भाई कुछ वो गुंडे यहाँ भी हैं और वो अपना जो है रंग तो दिखाएंगे जहाँ रहेंगे। जैसे मैं किसी सपा के गढ़ में गांव में जाता हूँ तो वहाँ भी ऐसा करते हैं, पर उनको पता नहीं है कि ये कितना भी जोर लगाएंगे इनका भगोड़ा नेता आजमगढ़ में टिक नहीं पाएगा। 19 में एक भाई जीत के भाग गया, 22 में दूसरा हार के भाग गया, तो ये भगोड़े भाई हैं। और हम लोग मैदान में यही टिक के कह रहे हैं कि इन भगोड़े भाइयों से आजमगढ़ को बचाना है तो एक बार फिर से मोदी जी को लाना है और कमल का बटन दबाना है। जिस प्रकार से वो लोग पुरानी मांग को लेकर रहे थे, मांग किए थे, आप मांग में शायद आए नहीं थे, तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, मांग पुरानी ऐसा नहीं है, वही तो झूठ बोलना भी तो इनका बहुत बड़ा काम है। सपाई जो होते हैं वो झूठ भी बोलते हैं। तो क्या है कि मुझे जो निमंत्रण मिला था उसमें मैंने समय दिया था, उल्टा यही लोग भाग गए, यही लोग समय नहीं दिए थे। जी दिनेश जी, कल एक आपका भी वीडियो वायरल हुआ, जो बयान दिए थे आप जो मोदी जी को बेरोजगारी को लेकर, उस पर ट्वीट भी शायद बताया जा रहा कि डिलीट हुआ, क्या क्या सत्य था क्या उसकी पूरी? वो ट्वीट मैंने इसलिए डाला था ताकि ये लोग जो एडिटेड वीडियो डाले हैं पूरा डालें और वो बौखला के डाल दिए कि नहीं नहीं ये वीडियो है, तब जाके पूरा देश जान गया कि वीडियो 8-10 मिनट का था, उसमें से ये तुष्टीकरण करने वाले कांग्रेसी जो हैं छोटा सा एक एडिट करके और उसको डाले थे, इसलिए मैंने वो डाला था। और उसके बाद जब पूरा वीडियो आया तो पूरा देश जान गया कि ये बात क्या हो रही है और किस संदर्भ में हो रही है और ये कांग्रेसी क्यों बौखला गए हैं। तो सारे कांग्रेसी जो है वो इसीलिए बौखलाए हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, तो अब इनको कुछ मिल नहीं रहा तो ये करें क्या, तो वही तुष्टीकरण की राजनीति फिर शुरू कर दी। क्या कहेंगे आप ये प्रकरण जो उठाया गया कल? मुझे लगता है कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, आगे भी वो वही करना चाहती है, इसलिए 10 मिनट के वीडियो को एडिट करके और अपना जो उसको तुष्टीकरण करना है उसको उसने ट्वीट किया था, इसीलिए मैंने उसको फेक बताया। मतलब कि आपके वो वीडियो अपने था, आपके वो बोल नहीं थे? नहीं, मैंने बोले थे, मैं कह रहा हूँ मैंने बोला था, और मेरा वो 10 मिनट का वीडियो था, उसमें से ये लोग एडिट करके और अपने काम का जो था उनको तुष्टीकरण वाला वो चला रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा ये फेक है। तो बौखलाए कांग्रेसी और पूरा वीडियो डाल दिए तो पूरा देश जान गया कि भाई ये किस संदर्भ में बात हो रही है और कांग्रेस क्यों बिलबिला रही है, कांग्रेस के बिलबिलाने का कारण समझ में आया। ठीक है, थैंक यू।